लाइफ का मजा तब आता है जब टोंट जो मारते हैं ना, जो बुराई करते हैं ना, वही लोग जब अपने पास आते हैं सेल्फी लेने, तब बहुत मजा आता है यार। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे यार, अच्छे लोग, क्योंकि कोरोना यार समझो। तो होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे, तो प्लीज़ यार अच्छे रहो। तो मुझे आज इस ब्लॉग में कुछ बोलना है, कि यही बोलना है कि यार देखो, हम इतने वीडियोस बनाते हैं यार, इतने सब कुछ करते हैं, टाइटल टैग सब कुछ डालते हैं, यूट्यूब के लिए सब कुछ करते हैं, दिन रात एक कर देते, लेकिन हमें क्या मिलता है? डीमोटिवेट। क्यों? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, लोग पागल बोलेंगे, क्या कर रहा है ये पागल, क्या है वगैरह वगैरह। तो मुझे ये बोलना है, मैंने इतने वीडियोज़ बना लिए, मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ जो करना है मुझे सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन मुझे क्या मिल रहा? डीमोटिवेट मुझे मिल रहा है। मोटिवेट कहाँ मिल रहा? नहीं मिल रहा, नहीं ना, मेरे को व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, उल्टा सब भी मतलब क्या पागल जैसे वीडियो बना रहा, क्या कर रहा है तू, ये सब बोल रहे, मतलब क्या है? अरे मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूँ, मेरे ये किससे कर रहा है ना? आप पैसे दे रहे मेरे को, पैसे दे रहे क्या कुछ करने के लिए? कुछ कर रहे क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों आपकी तो क्यों फट रही है यार? मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ करूँ, मेरी लाइफ है, बर्बाद करूँ अच्छा करूँ जो भी करूँ, मेरी लाइफ है। आप होते कौन हो बोलने वाले? तो प्लीज़ यार, अगर कुछ करना नहीं आता ना, तो दूसरे को डीमोटिवेट भी मत करो, ठीक है यार। तो आज तो मैं सोच ही लिया था कि मतलब हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग डालूंगा, सच्ची में प्रॉमिस करता, मैं आज सोच ही लिया था, लेकिन माइंड बोलता है ना, अरे दूसरों को क्या सुनता है, अपना कर। तो वही माइंड में ख्याल आया कि तू भाई छोड़ दूसरों की बात, वो बोलने वाले बहुत है बोलने वाले, अगर उनकी बात में अगर तू अड़ा रहा है ना, तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो रियली मतलब इतना मोटिवेट हुआ यार, सच्ची में बहुत मोटिवेट हुआ था यार। तो वही मोटिवेट लेके मैं ब्लॉग चालू किया, मैं सोचा बस बहुत हुआ, अब रुकने वाला नहीं हूँ। होता है जो होने से, मतलब जो होना होने दे, आई कैन स्टॉप माई लाइफ, मुझे जो करना मैं करूँगा, मुझे जो करना मैं करूँगा। दूसरों को बात अगर सुनूँगा ना, तो क्या लाइफ में वो झाड़ू पोछा मारूँ, घर पे बर्तन धोऊँ, बीवी के ताने सुनूँ? नहीं करना मेरे को ये सब। इसलिए पहले मैं सोचा, रियली सोचा कि पहले लाइफ बनाऊँगा, फिर बाद में वो सब बाद में, ठीक है। इसलिए यार मोटिवेट हुआ, ब्लॉगिंग चालू किया, मतलब कैमरा चालू किया मेरा ब्लॉगिंग। आई कैन स्टॉप नाउ, जो मतलब कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, मैं स्टॉप नहीं करने वाला अपनी लाइफ को। रियली हम ब्लॉगिंग करते, ब्लॉगिंग के लिए मतलब मार्केट जाना पड़ता है या सब जगह जाना पड़ता है, ठीक है, मार्केट हो या पब्लिक प्लेस में तो जाना ही पड़ता है ब्लॉगिंग के लिए, नहीं तो क्या फिर क्या फ़ायदा फिर ब्लॉगिंग का, तो सब जगह जाना पड़ता है। तो मतलब कुछ लोग होते कि यही बोलते, ये देख पागल मोबाइल लेके घूम रहा, ये देख पागल क्या कर रहा, ये नहीं बोलता कि लोग क्या बोलेंगे, तो वही, अरे बोलने तो बोलने दो ना, आज बोल रहा कल देखना, सेल्फी अगर नहीं निकालना ना, फोटो नहीं निकालना है, तो फिर बताना, यही होता है यार। अगर अभी दूसरे को बात सुन के अगर हम ये करेंगे, तो क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा फिर? तो इसलिए मैंने सोच लिया, कुछ भी हो ब्लॉग तो हर दिन डालूँगा, या तो मैं इस ब्लॉग को बहुत बोरिंग किया होगा ना, तो सॉरी यार, दिल से सॉरी बोलता हूँ, बहुत मतलब बहुत बोर किया होगा इस ब्लॉग को, मतलब आपको दिखाना चाहिए कि ये वो एसेट्रा एसेट्रा, तो दिखाना चाहिए, लेकिन मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ज्ञान दे रहा हूँ मेरा। तो यार मतलब मैं आपको बता दूँ, जो आप ब्लॉगिंग करते हो ना, तो आपको बोलते हैं हेलो गाइस जी, ये वो देखे, आपको चिढ़ाते हैं, ठीक है, मेरे को भी चिढ़ा रहे, ऐसा नहीं, सबको चिढ़ाते, जो भी ब्लॉगिंग करते सबको चिढ़ाते, मेरे को भी चिढ़ाते, जब भी मार्केट जाता हूँ ब्लॉगिंग करने, या मतलब जब कैमरा निकालता हूँ, तो मेरे को भी चिढ़ाते, ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं चिढ़ाते, चिढ़ाते मेरे को, लेकिन चिढ़ाने देना भाई, अपना क्या जाता, मेरा क्या जा रहा है चिढ़ाने से, वो क्या पैसे दे रहा है क्या खाने का? नहीं ना भाई, मेरा बाप खिला रहा, मेरा मॉम डैड मेरे को ये कर रहे, तो उसका क्या? तो फिर फालतू में मैं उसको लिख, यार अभी तुम्हारा वक्त है टोंट मारने का, मैं माइंड नहीं करता यार, जो कुछ भी बोले मैं कभी माइंड नहीं किया, और जो भी ब्लॉगर्स थे वो भी कभी माइंड नहीं किया यार। ट्रिगर इंसान भाई ने एक बात बोली यार, अपनी दिल की बात सुनो, न कि दूसरों की।
तो यार वो दिल की बात है लग गया यार, वो भाई का बात है ना दिल में लग के, कि सच में सही बोला भाई ने कि अपनी दिल की सुनो ना, दूसरों को दिल की सुन के क्या करूँ मैं, क्या करूँ, वो थोड़ी ना मेरे को पैसे दे रहे खाने को, थोड़ी ना कुछ ये कर रहा है, वो क्या पाल रहे क्या मुझे पैसे दे के, नहीं ना। तो फिर भाई मेरा मोबाइल है, मेरा एयरफोन है, मेरा बात है, मैं जो कुछ करूँ मेरी मर्जी है ना, होते आप तो होते नहीं हो कुछ बोलने वाले, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो एक्सचेंज करो फिर, तो प्लीज़ यार टोन मरना बंद करो। तो यार रियली एक बात समझ गया मैं अपनी लाइफ को, अपने माइंड में गुस्सा भी डाला वो बात, कि जिसका फेस वैल्यू होना उसको ठीक है जल्दी ग्रो होता है उसका चैनल, और जिसका नहीं होना फेस वैल्यू हो या कुछ भी नहीं होना तो उसको थोड़ा टाइम तो लगता ही है यार, थोड़ा हो या थोड़ा ज़्यादा हो टाइम तो लगता ही है यार। लाइफ का मज़ा तब आता है जब टोंट जो मारते हैं ना, जो बुराई करते हैं ना, वही लोग जब अपने पास आते हैं सेल्फी लेने, तब बहुत मज़ा आता है यार, समझ रहे हो ना, इसलिए कभी हार मत मानो यार, ना मैं मानूंगा ना आप मानोगे। यार मैंने रियली यार सोच ही लिया था आज कि ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा, मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे ये नहीं आ रहे तो सोच ही लिया था मैं, तो यार नहीं यार कुछ करूंगा यार। यार तो मैं आज बहुत आपको बहुत 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 बोरिंग क्या होगा फालतू का लेक्चर दे के यार, मेरे से भी अच्छे अच्छे लेक्चर वाले हैं, लेकिन मैं बहुत यार ये बात है ना रियली मेरे हार्ट को लगा था कि लोग बहुत बुराई करते हैं ना जब ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ कर रहे जा रहे तो बहुत बुरा लगता, तो वो बात दिल पे लगी यार, इसलिए पूरा दिन मतलब, तो ये था तो साइड में रखो वो बात, वो सब सबकी लाइफ में होता है हार ऊपर नीचे सबकी लाइफ में होता है वो सब, तो यार क्या करें अभी, तो यार रियली सॉरी बोलता हूँ, रियली सॉरी बोलता हूँ, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, अगर मेरा लेक्चर आपको बोरिंग लगा तो रियली सॉरी बोलता हूँ, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़, तो होप गाइस यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है ना वो प्लीज़ दबा दो, ताकि मेरा जब भी लेटेस्ट वीडियो आए ना तो सबसे पहले आप ही के पास आए, और प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया या नहीं प्लीज़ यार, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत बोरिंग लगाऊंगा ये वाला ब्लॉग, बहुत 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 बोरिंग लगाऊंगा, क्योंकि लेक्चर दिया ना इसलिए, सॉरी यार सभी को सॉरी बोलता हूँ, होप गाइस रखता हूँ।